वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल एस सी एल एस एम एल कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं जो कि टॉपिक है थेजरस और इससे पहले हमने और भी लेक्चर कवर कर दिए हैं यूनिट वन और यूनिट टू से जो कि पार्ट है एम एल आई आई वन जीरो टू ब्लॉक वन चल रहा है तो थेजरस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ़ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज ये भी एक एग्जाम्पल है इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रोवाइडिंग वो कैबलरी कंट्रोल ये भी वो कैबलरी कंट्रोल में हेल्प करता है टू बी यूज टू इंडेक्स एंड सर्च इंफॉर्मेशन जो यूज़ होता है इंडेक्स और इन्फॉर्मेशन के सर्च में थेजरस वॉज डिजाइन टू फंक्शन फॉर पोस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक डिज़ाइन किया गया है ताकि फंक्शन करता है पोस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आल्सो हेल्प द सर्चर्स टू कंडक्ट द सर्च इन सिस्टमेटिक वे और सर्चर्स को और हेल्प करता है ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से सर्च कर सके द ओल्डेस्ट द ओल्डेस्ट लिविंग एग्जांपल ऑफ थेजरस इज द रॉजस्ट थेजरस गिवन बाई पीटर मार्क रॉजर इनके द्वारा दिया गया था जो कि सबसे पुराना है नाइनटीन सॉरी एटीन फिफ्टी टू में इट वॉज डेवलप टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर अ गिवन कॉन्सेप्ट ये मतलब डेवलप किया गया था ताकि एक ऑल्टरनेटिव टर्म दे सके किसी गिवन जो कॉन्सेप्ट है उसके उसको द क्लासीफिक द क्लासिफाइड पार्ट हैज सर्टन कैट कैटेगराइज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सब डिविजन अंडर विच दे आर प्लेस प्लेस द डिफरेंट वर्ड्स उसके बाद यहाँ पे इसके डिफिनेशन देखते हैं द ऑल द ऑनलाइन डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस डिफाइन अ थेजरस एज एन एल्फाबेटिकल अरेंज अरेंज लेक्सिको एक अल्फ़ाबेटिकल अरेंज लेक्सिको है फॉर ऑफ टर्म कॉम कॉम्प्राइजिंग द स्पेशलाइज्ड जो वोकेबलरी हो गया ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन या फिर फील्ड ऑफ स्टडी शोइंग द लॉजिकल एंड सीमेंटिक रिलेशन अमंग टर्म्स पर्टिकुलरली अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैडिंग हो गया या फिर डिस्क्रिप्टर्स हो गए यूज यूज एज प्रेफर्ड टर्म इन इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग एंड लिटरेचर ऑफ फील्ड उसके बाद यूनिसिस्ट की बात करें यहाँ पे यूनिसिस्ट डिफाइन किया है इसको इट इज़ अ टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये एक टर्म है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रूप में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन फंक्शन की टर्म से देखें अथेस इज अ टर्मिनोलॉजिकल कंट्रोल एक टर्मिनोलॉजिकल कंट्रोल डिवाइस है यूज किया जाता है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ़ इंडेक्स इंडेक्सेस और यूजर्स इनटू अ मोर जो कंस्टेंस सिस्टम है लैंग्वेज का उसमें अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर में देखें तो थेजरस इज अ कंट्रोल एंड अ डायनेमिक वो है जो थेजरस है कंट्रोल है और डायनेमिक वो है ऑफ सिस्टमेटिकली एंड जनर एंड जेनरिकली जो रिलेटेड टर्म्स है इसमें फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखें टू प्रोवाइड आ पेनो पेनारोमिक जो व्यू है ऑफ सब्जेक्ट हो गया फील्ड हो गया शोइंग रिलेशन कॉन्स्टिट्यूएंट टू हेल्प द इंडेक्सर टू असाइन जो डिस्क्रिप्टर्स है ऑफ टू डॉक्यूमेंट एंड सर्च टू एक्सेस दम और सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी है टू टू इंडेक्सर और द सब्जेक्ट फोर्थ पॉइंट है टू शो द रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है अमंग डेट कुड हेल्प सर्चर्स टू नैरो द और बॉर्डन देअर सर्च और फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड अ मैप ऑफ कॉन्सेप्ट एक मैप ऑफ कॉन्सेप्ट बना प्रोवाइड करना इन अ सब्जेक्ट या फील्ड जिसमें वो एनेबल करे इंडेक्सर सर्चर्स को आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को द डिफ्रेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैडिंग एंड थे लाई इन इट्स फंक्शन एंड एंड स्ट्रक्चर बोल रहा है कि डिफरेंस जो बिटवीन अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैडिंग की या थेजरस की तो कहाँ दिखता है फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैडिंग ला लाइज uh, लिस्ट वर डेवलप टू सूट द सब्जेक्ट कैटलॉग ये लिस्ट मतलब ये डेवलप किया जाता है ताकि सूट करे को

या फिर यहाँ पे थेजरीज ऑफ अमेरिका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड मैनी मोर थिंग फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करें तो थेजरीज कंस्ट्रेन इज अ वेरी स्पेशल एक्टिविटी एक स्पेशल एक्टिविटी है एनी थिंग एनी वन इन्वॉल्व इन इट्स कंस्ट्रक्शन शुड हैव अ साउंड नॉलेज उनके पास एक साउंड नॉलेज है ऑफ द सब्जेक्ट एंड शुड बी लॉजिक लॉजिकल एंड हैव ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी उसके अंदर जो स्टेप है द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थेजरस आर एस फॉलो जैसे नीड एनालिसिस किस तरीके की ज़रूरत है ग्रो ग्रोइंग ऑफ टर्म्स टर्म जो है बहुत सारे आ गए हैं इसके वजह से नीड एनालिसिस में देखिए वाइल्ड डिजाइनिंग द थेस नीड एनालिस शुड बी डन फर्स्ट पहले यह किया जाता है वेदर इट इज़ रियली नीडेड और नॉट हमें उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है दे मे भी एग्जिस्टिंग थेजरस और सिमिलर सब्जेक्ट एग्जिस्टिंग थेजरस हो सकता है या सिमिलर सब्जेक्ट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है गैदरिंग ऑफ टर्म द टर्म द टर्म्स टू बी टू बी इंक्लूड आर आर टू बी कंट्रोल फर्स्ट पहले इसको कंट्रोल किया जाता है टू अप्रोच कैन बी फॉलोड इन दिस प्रोसेस दो अप्रोच फॉलो होते हैं इन द टॉप टॉप डाउन अप्रोच जो कि डिडक्टिव अप्रोच होता है कमिटी uh, आइडेंटिफाई uh, करता है यहाँ पे द टर्म एंड डिवाइड देम फ्रॉम टॉप टू टॉप टू डाउन फिर उसके बाद इन द इम्पीरिकल अप्रोच टर्म आर को रिलेटेड होता है फ्राम वेरियस सोर्स हो गया एंड द कैटेगरी और दरारकी इन फॉर्मड ओनली इन इफ़ इट इज़ अपीयर टू बी यूज़फुल अगर वो मतलब यूजफुल लगे तब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्म्स वंस द टर्म आर कलेक्टेड एक बार कलेक्ट हो गया देर आर टू बी ऑर्गेनाइज इन टू मेजर कैटेगरीज एंड हरार्की वो कैटेगरी और हरकी में ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू हरकी वंस द कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेज इस ऑर्गेनाइजेस ऑर्गेनाइज करना हरकी में फिर आता है क्रिएशन ऑफ अल्फाबेटिकल थेजरस फिर एक अल्फ़ाबेटिकल थे क्रिएट करना फिर प्रेजेंट uh, present करना प्रजेंटेशन ऑफ थे प्रजेंट करना एक अरेज uh, करना एकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अल्फाबेटिकल सिस्टम के द्वारा फिर इवेलुएट करना जो है उसको इवेलुएट करना इफेक्टिवली ताकि जो भी है रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद है मेंटेनेंस उसका और यूज़ ऑफ कंप्यूटर तो इसी के साथ ये जो है मतलब कंप्लीट होता है फिर उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट हैडिंग है वो है लिस्ट सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो कि हमने कई बार इसको डिस्कस किए हैं तो इसको एक बार आप अपने लेवल पे पढ़ लेना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हैज़ बीन प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट हेडिंग इन इट्स कैटलॉग सिंस नाइनटीन तो इस टाइम से ये मतलब सब्जेक्ट हेडिंग प्रोवाइड कर रहा है कैटलॉग में द लाइब्रेरी इज़ यूजिंग एल सी कार्ड एल सी कार्ड यूज करता है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड इट टू पब्लिश दे आर हेडिंग फॉर अदर लाइब्रेरी टू यूज़ ताकि बाकी अदर लाइब्रेरी है वो भी यूज कर पाए एल सी स्टार्टेड पब्लिशिंग दीज जो एल सी है ये सारी चीज़ें पब्लिश करना शुरू कर दिया वैन इट इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश जो कि इनका फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश हुआ था नाइनटीन जीरो नाइन से लेकर नाइनटीन फोर्टी फोर्टीन के बीच में आ, एस ए, एस एल एस एल एस एच इज़ बेस्ड ऑन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इसी के ऊपर बेस्ड है इसका एल सी एच एल सी एस एच वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम एज अब्जेक्ट हैडिंग यूज इन द डिक्शनरी कैटलॉग तो सबसे पहले ये मतलब जो है ये पब्लिश हुआ था सब्जेक्ट हैडिंग यूज़ किया था डिक्शनरी कैटलाग में ऑफ द एल सी बिटवीन नाइनटीन जीरो नाइन से ये मतलब सेम सेम सी बात कर रहे हैं यहाँ पे फिर देर आर टू टाइप ऑफ हेडिंग इन एल सी एच एस में दो इन हो बोल्ड फेस टाइप एंड दोज इन नॉर्मल टाइप पहला बोल्ड फेस टाइप और दूसरा नॉर्मल टाइप फिर कॉम्पोनेंट ऑफ एन एंट्री की बात करें तो इसी इसमें कुछ कॉम्पोनेंट बोला गया है जैसे स्कोप नोट हो गया आर्ट्स हो गए एंड और इसमें कुछ खास है नहीं बाकी एक बार अपने लेवल पे आप पढ़ लेना हैरकिकल रिलेशनशिप बता रहा है इसमें कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर एश एज होल पार्ट ऑफ होल टाइप आर जो डिज़ाइन किया गया है हरकिकल रिलेशनशिप में द डायरेक्ट द डायरेक्श्री एलिमेंट यूज टू कनेक्ट द किन को कनेक्ट किया जा सके एंड एग्ज़ाम्पल के तौर में ये बता रहे हैं एसोसिएटिव रिलेशनशिप भी यहाँ पे बताया गया है जिसमें कॉन्सेप्ट जो है नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एस इक्वलेंट और हेरिकल आर सेट टू हैव एसोसिएटिव उसके बाद यहाँ पे कुछ खास है नहीं और इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर जो है ये समाप्त होता है यहीं पर तो आपको कोई भी दिक्कत हुआ होगा मतलब कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ये सारी जो चीज़ें हैं आप चाहें अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं बट जितना इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से उतना हमने कवर करा दिया है तो मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट यूनिट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद